हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम। आज हम बनाएंगे कलाकंद। तो ये सिर्फ दो ही चीज़ों से तैयार हो जाएगा, दूध और चीनी। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला। आप पहली बार बना रहे हैं तो भी आप इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं झटपट से ही। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अब गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और 1.5 लीटर दूध डाल देंगे। तो मैंने फुल फैट दूध लिया है, आपके पास जैसा भी हो आप ले सकते हैं। 1 लीटर दूध डाल दिया है और 0.5 लीटर और डाल देंगे। तो ये 1 लीटर का पैकेट है तो मैंने 0.5 लीटर और डाल दिया है, तो टोटल दूध मैंने 1.5 लीटर डाल दिया है। अब गैस ऑन कर देंगे और फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इस दूध को गर्म होने देंगे। और ये दूध गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने दूसरी साइड एक पैन रख दिया है और इसमें डालेंगे 0.5 लीटर दूध। तो 0.5 लीटर बचा था ना, वो दूध मैंने डाल दिया है। और अब गैस ऑन कर देंगे और फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे भी बीच बीच में चलाते हुए इसे आधा होने तक पकने देंगे। अब यहाँ पर जो हमने कढ़ाई में दूध डाला था ये गर्म हो चुका है अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में 1.5 नींबू का रस निकाल करके और छान लिया है इसे। तो आपको भी छान लेना है क्योंकि नींबू के अंदर जो रेशे होते हैं ना वो मिठाई के अंदर आएंगे, इसलिए छान लेना है आपको भी। अब थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, यानी कि 0.5 कप के तकरीबन मैंने पानी डाल लिया है और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे दूध को चलाते रहेंगे और ये जो नींबू वाला पानी है ये भी डालते रहेंगे। तो इस दूध का पनीर तैयार हो जाएगा और इससे हम मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएगी। जब हम दूध का कलाकंद बनाते हैं तो उसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो अब यहाँ पर इस पानी को मैंने कम से कम 5 से 6 बार डाल दिया है। तो अब आप देख सकती हैं ये जो दूध है फट चुका है, पनीर तैयार हो चुका है इसका। तो अब नींबू वाले पानी डालने की जरूरत नहीं है, 1 चम्मच के तकरीबन बच गया है, तो इसे आप नींबू पानी में यूज़ कर सकते हैं। तो नींबू वाला पानी डालते हुए कम से कम मुझे 0.5 मिनट हो गया था क्योंकि 5 से 6 बार डाला, तो उसके बाद में फटा है। तो आपको भी टाइम लग सकता है, कम से कम 0.5 मिनट तो लग ही जाएगा दूध फटने में। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है और एक छलनी भी रख दी है और इसके ऊपर मैंने एक नेट का कपड़ा टाइप बिछा दिया है, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। अब हम इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। अब इस कपड़े को ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। अब ये जो पनीर का पानी बचा है ना, इससे आप आटा लगा सकते हैं या फिर कोई भी सब्जी में काम में ले सकते हैं। अब मैंने वापस बर्तन रख लिया है और छलनी भी रख ली है, तो इसके ऊपर ये पनीर वाला कपड़ा वापस रख लेंगे और इसे 2 से 3 बार पानी में साफ करेंगे, जो नींबू का खटाई है ना वो निकल जाएगी धोने से। तो 2-3 बार पानी में मैंने इसे साफ कर लिया है। अब इसे निचोड़ करके इस पनीर का पानी निकाल देंगे जितना हो सके। तो अब इस पनीर को प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो 1.5 लीटर दूध से कम 300 ग्राम के तकरीबन पनीर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमने जो पैन के अंदर 1 कप दूध डाला था तो 1 कप से 0.5 कप हो गया है, यानी कि 500 लीटर दूध डाला था और ये 250 ml दूध बचा है तो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब 1 कटोरी चीनी डाल देंगे और ये वजन में 50 ग्राम है, तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब चीनी को मिक्स होने देंगे। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब डाल देंगे जो हमने पनीर फाड़कर तैयार किया है। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स करते जाना है और इसे डालते जाना है और इस तरह से मैश करते जाना है। तो पनीर मैंने सारा डाल दिया है और अब फ्लेम लो टू मीडियम पर इसका पानी सूखने देंगे, ये जो थोड़ा दूध बचा है ना इसे सूखने देंगे और चलाते रहेंगे। अब इसे बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते रहना है और इस तरह से मैश भी करते रहना है ताकि पनीर अच्छे से मैश होता जाएगा साथ साथ में। तो अब यहाँ पर दूध तो सूख चुका है, थोड़ा बहुत पानी बचा है, इसे ऊपर सूखने देंगे। ये जो बबल से दिखाई दे रहे हैं ना ये नहीं दिखाई देने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको पास से दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख चुका है, तो बस ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये जो मिठाई है ये सेट करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने कांच की ट्रे ले ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जैसा भी आपके पास हो, जरूरी नहीं है कि कांच के लिए, किसी भी बर्तन में ये मिठाई सेट हो जाएगी। और मैंने अच्छे से घी लगा दिया है इसके अंदर और अब ये जो मिठाई है ये डाल देंगे और इसे, तो मिठाई को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और अब लिए यहाँ पर मैंने बारीक कट किए हुए पिस्ता, आप बिल्कुल भी सिंपल रख सकते हैं। और मैंने इस मिठाई में इलायची का पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, आप डाल सकते हैं।
ये एकदम से सिंपल सी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो पिस्ता को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है ताकि ये थोड़ी सी ऊपर सेट हो जाएं। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, बाहर ही रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखना है। ये बहुत ही जल्दी से सेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मिठाई को रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसे कट लगा लेंगे। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। और अब हम इसकी पीसेस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मिठाई हमारी कितनी अच्छे से सेट हुई है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और इसे बनाने में आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। तो झटपट से तैयार कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे कोई भी त्यौहार पर बना सकते हैं। वैसे भी रक्षाबंधन आने वाली है, आप ज़रूर से बना के देखिएगा। ये मिठाई सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मुँह में घुल जाने वाली। अगर आपको ये रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।